कि निश्चित तौर से बहुत ही दुखद घटना है। मैं मृतक आत्माओं की शांति के लिए बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ और जो लोग घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक हों और अपने घर परिवार के साथ जाएं। पर निश्चित तौर से ये सरकार, पहले भी आप देखे होंगे इस सरकार में लगातार रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं बालासोर में, उससे भी लोगों ने ये सीख नहीं लिया। और खड़ी ट्रेन में जो भी जानकारी है मेरे पास, कंचनजंगा ट्रेन खड़ी थी और मालगाड़ी ने आगे पीछे से उसे मार दिया। इसका मतलब कि पूरी तरीके से व्यवस्था फेल हो गई है, बैठ गई है। और रेलवे कर्मचारी लगातार ये मांग कर रहे हैं, आप रेलवे कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हैं, पर रेलवे कर्मचारी अधिकारी ये मांग कर रहे हैं कि रेलवे में भर्ती की जाए, लोगों की संख्या बढ़ाई जाए। जो लोग रिटायर हो गए वहाँ पर रख नहीं रहे हैं, क्योंकि पूरी तरीके से सरकार आँख बंद करके बैठी हुई है। रेल मंत्री फिर वही बना दिए गए, अश्विन वैष्णव पिछली बार भी थे, उस बार भी उनको दे दिया, और वो रील बना रहे हैं, वो केवल रील बनाकर फोटोज डाल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसी तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और रेल मंत्री जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, ये हम सबकी मांग है। इनको इस्तीफा देना चाहिए और जनता से अब क्षमा मांगे, क्योंकि बार बार ये घटना घट रही तो क्षमा मांगने का ही प्रश्न है। इनका इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए, क्योंकि इनके बस की बात रेल मंत्रालय से नहीं चल रहा है और ये लोग देश नहीं चला पा रहे हैं। निश्चित तौर से इनको इस्तीफा देके अपने घर जाना चाहिए। गलत नीति, गलत कदम, रेल दुर्घटनाओं का परिणाम बढ़ रहा है। रेल की पटरियों पे बोझ बढ़ता जा रहा है, पर सुरक्षा की ओर जरा भी नजर रेल मंत्रालय की नहीं, इस सरकार की नहीं। अभी गुजरात की उड़ीसा में जो घटना हुई थी उसका दर्द देश भूल भी नहीं पाया था कि आज दार्जिलिंग में, पश्चिमी बंगाल में, बंगाल में एक भयानक दुर्घटना हो गई। ये तो मानवीय भूल हुई, ये तो पूरा पूरा सीधे जिम्मेदार है रेल विभाग, रेल का महकमा। दो ट्रेनें लड़ गई, इसके पहले उड़ीसा में भी तो यही कुछ हुआ था। यानी कि ये रेल मंत्रालय बढ़े हुए बोझ को संभाल नहीं पा रहा है। रेल मंत्री जी, नैतिकता के नाते इस्तीफा दो। ये ऐसा नहीं है कि कहीं कोई ऐसी गतिविधि हो गई हो जिसके परिणाम ये हो। सच्चाई तो ये है कि आपके रेल विभाग के महकमे के चलते हुए उनकी लापरवाही से, उनकी गैर जिम्मेदाराना ढंग से जिस तरह चलाया जा रहा है, उसका नतीजा है कि ये इतनी जाने उसमें बलिदान हुई। पश्चिम बंगाल में जो ट्रेन हादसा हुआ है उसके बाद देश के रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। लगातार इस सरकार में कई ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी ये सरकार ट्रेन दुर्घटनाओं को रोक पाने में पूर्ण रूप से अक्षम साबित हो गई है। इसलिए लगातार पुराने जो रेल मंत्री थे वही फिर रेल मंत्री बने हैं, उनको इस दुर्घटना के बाद इस्तीफा देना चाहिए।